बलिया में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर कायाकल्प के अंतर्गत कार्य चल रहा है। जय हिंद, आप देख रहे हैं भारत मीडिया खबर, जिला बलिया से, जहां ग्राम प्रधानों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा के लिए कायाकल्प के अंतर्गत कार्य कराया जा रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प के अमल में आने के साथ ही बलिया के परिषदीय स्कूलों की सूरत बदल रही है। इसके तहत बलिया के ग्रामीण और शहरी इलाकों में ज़्यादातर स्कूलों का कायाकल्प के अंतर्गत कार्य चल रहा है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय के इस ऑपरेशन कायाकल्प का मकसद बच्चों में साफ सफाई पर जोर देना है। योजना के तहत सभी प्रसिद्ध विद्यालयों को मॉडल स्कूल की तर्ज पर विकसित करने का काम किया जा रहा है। वहीं ग्राम प्रधानों ने बताया कि कायाकल्प के अंतर्गत हम युद्ध स्तर पर कार्य करा रहे थे, लेकिन बारिश के कारण थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बहुत जल्द ही कार्य पूर्ण हो जाएगा। भारत मीडिया के लिए बलिया से संजय राय की रिपोर्ट। अभी सरकार की कायाकल्प योजना आई है, उसके अंतर्गत हम लोग दिव्यांग शौचालय बनवा रहे हैं स्कूलों में, और उससे सबसे पहले तो हमें पंचायत भवन पे मिनी सचिवालय का निर्माण कार्य के लिए हमसे कहा गया था, तो अभी तो हम उसी पे काम कर रहे हैं और दिव्यांग शौचालय हम लोगों ने विद्यालयों पे बनवाना शुरू कर दिया है। शिक्षा को लेकर आपके ग्राम सभा में क्या स्थितियाँ हैं और इसके लिए आपके द्वारा क्या बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं? जी, शिक्षा के मामले में तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमारे गाँव में 3 स्कूल हैं और प्राइवेट स्कूल भी एक दो है, तो इस मामले में तो बहुत अच्छा है हमारे यहाँ, वो सब लोग पढ़ने जाते हैं, सबके बच्चे पढ़ने जाते हैं और बाकी जो भी प्रॉब्लम होगी लोग आते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश जी। कायाकल्प के अंतर्गत जो कार्य प्राथमिक विद्यालय में जो होनी थी उसकी कहाँ तक तो वो कार्य पहुँचा है और अभी क्या स्थिति है? अभी तो हम लोग दिव्यांग शौचालय बना रहे हैं, आगे उसमें काफ़ी काम है। आप 1 साल बाद आएंगे, 1.5 साल बाद आएंगे तो उसका विकास आप देख पाएंगे, आपको दिखेगा वो चीज़ जी। आपके यही एक चीज़ देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी की काफ़ी। हमारे गाँव में तो एक ही विद्यालय है, प्राथमिक पाठशाला, उसमें कायाकल्प हर चीज़ हो चुका है, ब्लेंच भी लग चुके हैं, टाइल्स भी लग गया है, ये दिव्यांग शौचालय बनना था वो भी बन रहा है। तो सर 6 महीने के मतलब आपके अभी प्रधानी गई है, अभी आपके गांव में क्या क्या अभी तक आपके द्वारा विकास कराए गए हैं? आज सरकार ने क्या क्या दिया है अभी? सरकार तो लोग परमानेंट हर गांव के लिए फंड बनाई है, वही फंड दे रही है, अब इससे अलग हट के तो कोई फंड मिल नहीं रहा है, लेकिन विकास के नाम पर हमारे यहाँ सबसे खराब एक रोड था, पूरे गांव का मेन रास्ता है, वो तो पानी लगने से डिस्टर्ब हर साल डिस्टर्ब हो जाता था, 2-3 महीने रास्ते बंद हो जाता, उसको हम टुकड़ा डलवा करके कंप्लीट करा दिए। इस समय एक पुरवा है हम लोगों का चट्टी के पास, वहाँ नाली की समस्या थी, पूरे गांव का पानी एक ही जगह इकट्ठा होकर के पूरे मोहल्ले को डिस्टर्ब करता था, वहाँ भी नाली बनवा दिए हैं जी। आपके गांव में जल जमाव की समस्या और नाली की समस्या बहुत ही ज़्यादा थी जब पंचायत चुनाव के दौरान आपने बताया था, तो अभी क्या स्थिति है और इस चीज़ को जड़ से इसको ख़त्म करने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? प्रयास नहीं किया जा रहा है, कार्य चल रहा है जी। जहाँ सबसे ज़्यादा समस्या था वहाँ की नाली बनवा दिए जी, और मेन नाली एक बना करके निकालना है पानी, जो पूरे गाँव का पानी निकल जाएगा, लगभग 800 मीटर नाली है, वहाँ भी पाइप गिरवा दिए हैं, अंडरग्राउंड नाली बना करके 1-2 महीने में कम्प्लीट है। शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत अच्छी चल रही है और कुछ उसमें जो शासन द्वारा कायाकल्प की व्यवस्था चल रही है उस पर पहल होगा और हो भी रहा है, मौसम की वजह से कुछ रुकावटें आई हैं और अब पुनः उस पर कार्यक्रम जो है कि लगेगा, कार्य होगा। क्या विद्यालय खुल रही है, क्या स्टूडेंट उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं? बच्चों की संख्या पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और शिक्षकगण भी समय से आना और समय से मेहनत करना जो भी व्यवस्था है सुचारू रूप से चल रहा है जी। अभी किस चीज़ के भी आपके गांव में आवश्यकता है और क्या उसके लिए आपने प्रयास किया? अपने विशेष आवश्यकता ये हमारे यहाँ नाली का निकास की समस्या बहुत ज़्यादा है, हर जगह पानी की समस्या है और उसी पे विशेष पहल चलेगा तत्काल, उसके बाद गलियों और अन्य समस्याओं पर जो नाली की समस्या है जो है। अभी देखिए जो पूर्व प्रधान के द्वारा किया गया कार्य वह हम तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ गड़बड़ी मिली है और उसके चलते हम लोग इस पर देखे हैं, विचार किए हैं, BDO साहब गए थे जांच करने के लिए, जांच भी हुई
उसमें कुछ अनियमितताएँ हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, और कंप्लीट करने के बाद फिर उस पर हम लोग कायाकल्प के बारे में पूरी व्यवस्था लगाएंगे। हम सभी लोग प्रधान हैं और हमारे पानी से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पानी लगा हुआ है, विद्यालय हो या सामुदायिक शौचालय हो वहाँ भी पानी लगा है, तो इसके बारे में हम लोग वीडियो साहब को अवगत कराए हैं और जैसे पानी सूख रहा है हम लोग कायाकल्प का काम करेंगे। तो जिस तरह से बरसात के पानी आए हैं और गाँव हर गाँव में पानी इकट्ठा हो गई है, तो आप लोग क्या प्रयास है उसमें? अब हम लोग तो तहसील स्तर पर जाके नाव की व्यवस्था कराए, SDM से मिले, SDM से मिलकर नाव की व्यवस्था कराए, नाव चली भी, लेकिन अभी वैसी व्यवस्था नहीं हो पाई है, ब्लॉक के द्वारा भी वैसी व्यवस्था नहीं हो पाई है कि पूर्ण रूप से हम यह कह सकें कि हम सफल रहें।